देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औरतें आज कहां से कहां पहुंच गई हैं, पुरुषों से बराबरी करते करते उनसे आगे निकल चुकी हैं। कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली राधिका ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। राधिका ने एम्बुलेंस सेवा को खुद से चालू किया है और अब कर्नाटक की सड़कों पर राधिका की एम्बुलेंस दौड़ती दिखाई देती है। लेकिन राधिका की कहानी के पीछे कोई व्यावसायिक दिमाग नहीं बल्कि एक भावनात्मक दिल है। आपको बता दें कि राधिका सिर्फ कक्षा 6 तक पढ़ी है, उनकी उम्र 47 साल है। राधिका ने साल 2002 में कैंसर से पीड़ित अपने पति को खो दिया था और अपने पति की मौत के बाद ही राधिका ने एम्बुलेंस चलाना शुरू किया। राधिका की 2 बेटियां हैं। राधिका ने बताया कि उस समय मेरे सामने आर्थिक और बेटियों के भविष्य का संकट आ खड़ा हुआ था। मेरे पति शहर के एक अस्पताल में एम्बुलेंस चलाते थे और मैं अस्पताल में आया के रूप में काम करती थी। सुरेश हमेशा मुझसे अपनी एक इच्छा जाहिर करते थे कि काश हमारे पास कई एम्बुलेंस हो और हम हर जरूरतमंद के पास एकदम समय पर पहुंचे, किसी इंसान की समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण मृत्यु ना हो। साथ ही राधिका कहती हैं कि आज मैं बस अपने पति का वही सपना पूरा कर रही हूं और अपनी बेटियों को भी काबिल बना रही हूं। मेरी अशिक्षा मेरे लिए हर जगह बाधा बनी है, लेकिन आज अगर कुछ बेहतर है तो इसके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है। एक एक पाई बड़ी मुश्किल से जोड़ी है। आपको बता दें कि राधिका के पति ने राधिका को एम्बुलेंस चलाना सिखाया था और आज वो अपने पति की सिखाई सीख पर चल रही हैं। जब राधिका के पति की मौत हुई तब उनकी उम्र कम थी और बेटियां भी 7 और 4 साल की थी। शुरुआत में राधिका ने बैंक से लोन लेकर एक एम्बुलेंस खरीदी थी जिसका ऑल इंडिया परमिट था। राधिका उसमें मरीजों को लेकर कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों के अलावा उत्तर और मध्य भारत के अस्पतालों में जाती थी। हालांकि अब राधिका के पास कुल 12 एम्बुलेंस हैं और साथ ही 8 ड्राइवर भी हैं, जिन्हें देश भर में कहीं भी एम्बुलेंस ले जाने की अनुमति है। 8 ड्राइवर होने के बावजूद भी राधिका खुद भी एम्बुलेंस चलाती हैं। इतना ही नहीं, अपने पति का सपना पूरा करते हुए राधिका जरूरतमंदों और गरीबों को निशुल्क सेवा देने का प्रयास करती हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।